There was basically a slogan against you, against Prashant Bhushan, and basically the two of you. And in that name, then they've gone on to vandalize your office. देखिए, सबसे पहले तो मैं ये साफ करना चाहता हूँ, हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं पार्टी की तरफ से भी, कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर को इस देश से कोई अलग नहीं कर सकता। दूसरी चीज, देश के अलग अलग हिस्सों में वहाँ कहाँ आर्मी का डिप्लॉयमेंट करना है, ये वहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट के हिसाब से वो सरकार करती है। वहाँ के लोकल लोगों को की भावनाओं की उसमें कद्र होनी चाहिए, लेकिन इस ये मुद्दा रेफरेंडम से डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कहाँ पे हम आर्मी का डिप्लॉयमेंट होगा। ये मुद्दा तो सरकार का इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट के बेसिस पे होगा, लेकिन उसमें जनता की भावनाओं की कद्र करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जनतंत्र नहीं बचेगा। ये भी हम बहुत बार कह चुके हैं। लेकिन आज जिस तरह से वो हमला किया गया है, कहा जा रहा है कि श्री राम सेना, मुझे तो नहीं लगता कि भगवान राम कभी भी ऐसी सेना बनाते कि लोगों के घरों पे, लोगों के ऑफिसों में जा जाके ऐसी सेना तोड़ फोड़ करें। तो ऐसे तो भगवान राम के आदर्श नहीं थे। भगवान राम के आदर्शों पे तो सब लोगों को, सारे हिंदुओं को चलने की कोशिश करनी थी। फिर कह रहे हैं हिंदू रक्षक सेना, मैं भी हिंदू, मेरे मन में भी हिंदू के लिए दिल धड़कता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए प्रशांत जी ने कुछ कहा, तो वो लोग क्या चाहते हैं? प्रशांत जी को मारना चाहते हैं, उनका कत्ल करना चाहते हैं? कह रहे हैं कि प्रशांत जी के कमरे में भी हमला कर चुके हैं, यही वही लोग हैं। तो वो क्या चाहते हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो क्या चाहते हैं, उनको कैसे संतुष्टि मिलेगी। भाई, हमने अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर लिया, नंबर एक। प्रशांत जी भी उसके बाद कई बार कह चुके हैं कि भाई मेरे बयान को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया। अब प्रशांत जी, मैंने अभी देखा, प्रशांत जी ने कहा है कि मैं रेफरेंडम नहीं चाहता, मैं रेफरेंडम के पक्ष में नहीं हूँ। अब वो क्या चाहते हैं ये लोग? प्रशांत जी का कत्ल करना चाहते हैं, प्रशांत जी को मारना चाहते हैं, हमारे ऑफिसेज में तोड़ फोड़ करना चाहते हैं, मेरे खिलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे मारने से, या प्रशांत जी को मारने से, या हमारे ऑफिसेज में तोड़ फोड़ करने से अगर कश्मीर का समाधान होता हो, तो वो मुझे जगह बता दें, समय बता दें, स्थान बता दें, मैं आ जाऊँगा, मुझे मार लें अगर इससे देश की, कश्मीर की समस्या का समाधान होता हो। एक मिनट, जस्ट लिख लिख, ऐसे देश की समस्याओं के समाधान नहीं होते हैं। मारपीट करने से, इस तरह से देश की समस्याओं के समाधान नहीं होते हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगा, वो बुराई करें, हम भलाई करें, ना बदले की हो कामना। हमारे मन में कोई बदले की भावना नहीं है, और जनतंत्र संवाद से चलता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजनीति की जा रही है, कि बार बार जब आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, तो प्रशांत के बयान को बार बार उछाल के, और ये मुद्दा मरे ना, ये मुद्दा जिंदा रहे। बेसिकली इशू ये है कि मुद्दे को मरने ना दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दा फिर मर गया, अरे ये तो खत्म हो गया, दो दिन बाद तो फिर खत्म हो गया, तो तोड़फोड़ करो, तोड़फोड़ करेंगे तो मुद्दा फिर जारी रहे। तो मैं उन लोगों को जिन्होंने तोड़फोड़ किया है, मैं उनको बातचीत के लिए बुलाता हूँ कि आओ बात करते हैं, सारे मीडिया के सामने बात करते हैं कि क्या चाहते हो। हम भी सुने भी कैसे कश्मीर का समस्या सॉल्व होती है, हमें भी तो पता चले कैसे सॉल्व होती है, आए तो सही, बात तो करें। या वो कह दें कि भाई प्रशांत भूषण का अगर कत्ल कर देते हैं तो उससे समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है, अरविंद का कत्ल करने से समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है, मैं आ जाता हूँ, मुझे बता दें। ये तो देश के लिए बहुत बड़ी, अच्छे, बहुत गर्व की बात होगी अगर मेरे मरने से कश्मीर सॉल्व हो जाता, तो ये बात है, ठीक है।